what comes as a big blow to the NPP in Manipur ahead of the 2022 Assembly elections. Party leader and State Youth Affairs and Sports Minister Letpao Haokip joined the BJP in New Delhi today. Well, the Chandel MLA joined BJP at the party headquarters in New Delhi in presence of Manipur election in charge Bhupendra Yadav and State Party in charge Sambit Patra, among others. Well, Haokip, who shifted allegiance to the BJP, said that he was impressed by Prime Minister Narendra Modi's developmental works for the Northeast and Manipur. मैंने बीजेपी में हमारा पार्टी एनपीपी छोड़कर ज्वाइन करने में फैसला किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट और देश मणिपुर और विकास तरक्की कर सकता है। इनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही मूल मंत्र है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर विकास कर रहे हैं। हमारा देश एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को आस्था लक्ष्मी बनाने में और मणिपुर को भी खेल के साथ साथ नई क्षेत्र में ले जाने का संकल्प में सहयोग करने के लिए मैं इनका नेतृत्व में ग्रहण कर मैं आज पार्टी में शामिल हो जाने का फैसला लिया है। जय मणिपुर। Meanwhile, a BJP's Manipur election in charge Bhupendra Yadav, while welcoming Haokip to the party fold, said the N. Biren Singh-led government in the state has taken various developmental schemes to the grassroots in the last 5 years. पिछले 4 दिनों में मैं लगातार पार्टी की तरफ से मणिपुर में गया था और मणिपुर के सभी वर्गों के अंदर एक प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का हम लोगों ने संचार होते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी पिछले हफ्ते मणिपुर हमारे चुनाव कैंपेन का लॉन्च करके आए। एक गीत हम लोगों ने मणिपुरी भाषा में लॉन्च किया। आज हमारी 60 वाहन मणिपुर के हर विधानसभा में जा रहे हैं और मणिपुर जो महिला शक्ति के लिए जाना जाता है और बहुत बड़ा महिलाओं का एक कार्यक्रम भी मणिपुर में आयोजित किया गया। और मैं विशेष रूप से हमारे लेटपो हाकिब जी का स्वागत करता हूं। वो बिल्कुल उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बर्मा और मणिपुर का बॉर्डर जो मोरे बॉर्डर है, वहां से आते हैं, कुकी ट्राइब से भी आते हैं। और ना केवल कुकी ट्राइब के हमारे मजबूत साथी हैं, बल्कि बहुत अच्छे, जैसा संबित जी ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं और पूरी तरीके से सुशासन के गांव-गांव तक संकल्प को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। And we also have reactions coming in from party state in charge Sambit Patra. Let's listen in. मणिपुर में सरकार में वर्तमान मंत्री एनपीपी पार्टी से लेटपाओ हाओकिप जी का मैं अभिनंदन करता हूं। लेटपाओ जी वर्तमान में एमएलए हैं चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो एनपीपी पार्टी के हैं और वर्तमान में मंत्री हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और वाटर रिसोर्सेज के मणिपुर के सरकार में। और एक सुखद खबर यह भी है कि लेटपाओ हाओकिप जी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और मणिपुर में घर घर में एक फुटबॉलर के नाते ये प्रसिद्ध हैं। तो स्वाभाविक रूप से लेटपाओ जी के आने से मणिपुर, जो स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है, ओलंपिक्स में कई मेडल मणिपुर ने हिंदुस्तान को दिया है, तो एक खुशी का लहर युवाओं के बीच में भी है। And significantly, the development comes only a day after NPP National President and Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma visited the state. The NPP is a coalition partner of N. Biren Singh government in Manipur and also a part of NEDA. Well, assembly elections in Manipur are scheduled to be held early next year.